तो गाइस नेबरहुड में एक ये घर फॉर सेल हो रखा और फाइनली हमने हेलो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिल्कुल आपके अपने भाई की तरह आज हम लोग खेलने आ रहे कार सेलर सिमुलेटर और हम अपने कंटेनर से सोकर उठ चुके बढ़िया तरीके से और अपने कंटेनर को करते हैं क्लोज। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो गाइस कार मार्केट भी ओपन है और हम अभी चल रहे हैं सीधा कार मार्केट और बढ़िया सी गाड़ियाँ खरीदेंगे दो तीन। और पिछले वीडियो आपने देखा होगा हमने बहुत सी बढ़िया बढ़िया सुपर कार और स्पोर्ट्स कार को कलेक्ट किया था और आज हम अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीदने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि नेबरहुड में एक घर है जो कि फोर सेल हो रखा है तो उसको आज हम खरीदेंगे और देखेंगे जितने भी डॉलर का होगा उसको खरीद लेंगे जहाँ तक है नेबरहुड में सस्ता ही मिलेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी पहले ये नेबरहुड में खरीद ले और मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपडेट में बढ़िया सा कोई अपडेट आए जिसमें हम अपना घर कोई कोठी बंगला टाइप बना पाएँ खुद से जनरेट कर पाएँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी जो भी होगा उसको हम खरीद लेंगे। अभी हमने एक दो गाड़ियाँ यहाँ पर खरीद ली और टो करा के भिजवा दिया और देखते हैं। और एक और पोर्शे लगी हुई है इसको भी जल्दी से खरीद लेते हैं। और ये कितने की मिल रही है? 237 की। भाई बहुत ही महंगी, पहली वाली बहुत सस्ती थी लेकिन खैर ये वाली खरीदे 2 लाख डॉलर में। इनको पे कर देते हैं मैडम जी को, नहीं 1,90,000 कर देते हैं, 2 लाख ज़्यादा हो जाते थे तो इसलिए मैंने 1,90,000 कर दिया है। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन हो गई, क्या बात है, ये वाली भी अपने खरीद ली। इसको टो करा के भिजवा देते सीधा अपने ऑफिस। और एक सामने की साइड भाई ऑडी R8 खड़ी हुई है अपनी स्पोर्ट्स कार, अब बहुत ही तेज भागती है इससे भाई मैंने बहुत सी। और ये कौन सी गाड़ी है? वॉक्स वैगन की बोटल है भाई, पता नहीं कैसी गाड़ी है। और ये 1967 मॉडल है भाई, बहुत पुरानी गाड़ी है। खैर छोड़ो, लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा एंटिक पीस, पता नहीं चले या ना चले रास्ते में बंद हो जाए। लेकिन ये भाई ऑडी R8 बहुत भयंकर वाली गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया। और 6 लाख बहुत ही महंगी है यार, 6 लाख लगभग 670 की है। तो इनसे भाई मैडम जी से बार्गेनिंग करते हो, थोड़ा कम करके 580 दे देते हैं इनको और देखते भाई खरीद पाते या नहीं। ओ क्या बात है गाइस, हमने ये ऑडी R8 खरीद ली है और जल्दी से इसमें बैठते हैं और लेकर चलते हैं इसको सीधा गैराज में, बढ़िया तरीके से रिपेयर कराते हैं, बढ़िया एग्जॉस्ट वगैरह लगवाते हैं इसमें और रेसिंग किट वगैरह लगा कर इसको चलते हैं रेस करने के लिए। बढ़िया सी कोई गाड़ी मैं सोच रहा हूँ, अगर एक और ऑडी R8 आ गई तो अपन को भाई सीधा गाड़ी बेड पर लग जाती है। मैंने ये देखा है, इसमें नोटिस किया है कि इसमें जब भी अपन ड्रैग रेस करने जाते हैं तो अगर सेम कंपनी की गाड़ी आ जाए, जैसे अगर मैं ऑडी R8 लेके जा रहा हूँ और सामने भी बंदा आ जाए ऑडी R8 वाला, तो अपन गाइज उसको बैट कार पे लग जाती है, मतलब बैट कार की बैट लग जाती है सीधा। अपन जो जीतेगा वो गाड़ी ले जाएगा, दूसरे वाले की गाड़ी भी गायब हो जाएगी। लेकिन खैर अभी हम लोग गैराज पहुंच चुके हैं गाइज, अभी आप लोग तो क्या बात है यार, इसकी क्रैकलिंग साउंड ही बहुत प्यारी हो, पीछे का लुक देख रहे हो एकदम स्पोर्ट्स कार लुक दे रखी है यार, बहुत ही भयंकर गाड़ी है। इसको जल्दी से रिपेयर कराते हैं बढ़िया तरीके से। और मैं सोच रहा हूँ जितनी देर में ये रिपेयर होगी ज़्यादा वैसे काम तो नहीं होगा, हाँ भाई थोड़ा सा ही है बैक में। और इसको गाइज मैं सोच रहा हूँ वो साथ में ही धो लेंगे अपन लोग, जब तक गाड़ी रिपेयर होगी हम पूरी गाड़ी को चमका देंगे एकदम बढ़िया तरीके। भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, देखो एक ही साइड से तीन तीन और चार चार जगह से साफ हो चुकी, भाई इस साइड भी गंदी है भाई यार, इसके पहिए भी मिट्टी है। खैर कोई बात नहीं भाई, इसके एलोय अच्छे नहीं लग रहे तो इसके हम एलोय भी चेंज करा देंगे। इस गैराज वाले के भाई के बगल में ही शॉप है, वहाँ पर जाकर इसके एलोय भी चेंज करा देंगे और इसमें बढ़िया से रेसिंग किट वगैरह लगा कर और भाई चमक की गाड़ी। आगे का बोनट देख लेते हैं, वो ये पूरा चमका रखा है इसको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़ा और पानी फेर दिया इस पर और बैक में भाई इसका पहिया भी पिछला भी साफ है। तो भी गाइस पूरी गाड़ी हमने क्लीन कर दी है और इसमें जल्दी से बैठते हैं और चलते हैं इसके भाई के पास और बढ़िया से एलॉय व्हील डलवाते हैं। अभी गाइस मैंने यहाँ से गाड़ी निकाल ली और इसके जस्ट ही बगल में इसका गैराज है इसके भाई का, जहाँ पर गाइस इसके हम किट वगैरह लगा सकते हैं, टर्बो लगवा सकते हैं और बढ़िया बढ़िया से एलॉय व्हील और कलर वगैरह भी चेंज करवा सकते हैं। तो अभी गाइस इसमें मैंने रेसिंग किट लगवा दी और टर्बो दोनों चीज़ें लगवा दी और बढ़िया से कोई एलॉय व्हील इसमें सूट करेंगे जो वही वाले देखेंगे हम, ये वाले ज़्यादा ये तो भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यार ये लग्जरी गाड़ियों में अच्छे लगे, स्पोर्ट्स कार में ये वाला भाई बढ़िया लग रहा है। एक दो और देख लेते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, कौन सा लगवाऊँ कौन सा लगवाऊँ, यही वाला सही लग रहा है मेरे को। तो खैर ये चलो यही वाला मैंने लगवा दिया इसमें और ये मैंने पता नहीं क्यों स्क्रब सा पकड़ रखा हाथ में। खैर छोड़ो, अभी चलते हैं सीधा ट्रैक रेस करने के लिए, गाड़ी को भगाते हुए लेकर चलते हैं। और अभी अभी भाई आराम 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 आराम, हाँ भाई बच गई, डैमेज नहीं हुई अपनी गाड़ी। तो अभी सीधा गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्रैग रेस कराने के लिए और गैराज के बगल में ही है भाई, आप लोग जैसे सामने की साइड है, यहाँ पर रेसिंग टूर्नामेंट होते रहते हैं और यहाँ पर गाइस लोग बैट लगाने के लिए आते रहते हैं पैसों की यहाँ गाड़ियों की। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ड्रैग रेस वाली जगह पर और चलकर इस भाई शेवलेट से गाइस रेस करेंगे हम। और ये $880 की हमने ओके कर दिया भाई,
और अभी चलते हैं और देखते हैं कि कौन जीता। जहाँ तक है भाई अपनी स्पोर्ट्स कार है उसकी, भाई ऐसी है बेकार सी गाड़ी, तो 99% चांस है कि अपन ही जीतेंगे। बाकी उसने अगर इंजन में कुछ अपडेट करवाया होगा, अपग्रेड करवाया होगा, तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक है 99% अपन ही जीतेंगे। तो अभी गाइज अपनी रेस स्टार्ट हो चुकी है, रेस स्टार्ट होने ही वाली है जस्ट 3 सेकंड में से, 3, 2 और 1। इसी के साथ अपनी रेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी गाइज थोड़ा सा आगे निकल गया, खैर कोई बात नहीं, अपन इसको पीछे छोड़ देंगे। और देखो गाइज अपने छोड़ दी, बेस्ट शिफ्ट आ चुकी है अपनी, और अपनी गाड़ी लगभग 150 स्पीड पर पहुँचने वाली है, वो भी अपने साथ ही चल रहा है। यार अभी मैं इसमें टर्बो लगवा के जीत तो गए हम, लेकिन यार इसमें अभी टर्बो लगवा के वो टर्बो आया क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रेस में मैं दबाता रहा लेकिन इसमें अप्लाई नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो खैर छोड़ो, उस बंदे से मैं बाद में पूछ लूंगा। तो अभी गाइस हमने रेस जीती ली और पैसे भी अपने पास हैं, तो देख लेते हैं अभी 4.5 लाख है समथिंग। और ये स्कोडा वाली मैडम, अबे यार ये तो बहुत ही कम डॉलर की लगा रही है बैट, इतने का क्या ही होगा मेरा, इतने का तो तेल ही लग जाता है मेरी बॉडी में। तो अभी गाइस हम चल रहे हैं सीधा नेबरहुड, वहाँ चल कर बढ़िया सा घर खरीदेंगे और देखते हैं कि घर कितने का मिलता है अपन को। अगर थोड़ा बहुत अगर पैसे कम पड़े तो अपने पास जितना कार कलेक्शन रखा उसमें से 1-2 गाड़ियाँ बेचनी पड़ सकती हैं। और ये पीछे रेड बार निकल गया है, यानी कि बार स्टार, जहाँ से अपन ने टैबलेट खरीदी थी भाई एग्जॉस्ट का। अपने फायर क्रैकलिंग देखी भाई, कितने तगड़े फायर फ्लेम निकले अपने एग्जॉस्ट से। और अभी यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ पर है वो जो घर बिकने के लिए लगा हुआ नेबरहुड में। तो गाइस अभी मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कहाँ पर मिलता है, तो अभी देखते हैं। और जो मैं कह रहा था, अगर घर महंगा हुआ तो मैं 1-2 गाड़ियाँ अपनी बेच दूंगा, जो भी डबल हो रखी होंगी अपने कलेक्शन में से, जो मैंने कल कलेक्शन इकट्ठा किया था। और आज भी भाई मैंने 2-2 सुप्रा खरीदी हैं, 1-2 मेरे पास शायद पहले भी थी, तो मैं इनमें से एक बेच दूंगा और 2-3 और भी गाड़ियाँ बेच दूंगा, जिससे ही 8-10 लाख अपना इकट्ठा हो जाएगा, अगर घर महंगा हुआ तो। वरना अगर इतने में बजट में आएगा तो क्यों ही बेचूंगा मैं। तो अभी फिलहाल इस साइड तो है नहीं है। और ये लगा हुआ भाई फॉर सेल का बोर्ड, बहुत बढ़िया भाई, अपन पहुंच चुके, मैंने ढूंढ ही लिया। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं और इसको जल्दी से खरीदते भाई, ऐसे तो ये देखने देंगे नहीं, पहले खरीदना पड़ेगा। और ये अपना बाहर का लुक है, और ये $60,000 का है सिर्फ, और इसी के साथ हमने खरीद भी लिया, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाई, मैंने अपने गेम में घर ले लिया है। और ये कुछ लुक है, यहाँ पर टेबल है, वो यहाँ पर मैं सो भी सकता हूँ टेबल पे। और ये कमरा है, ये बंद खुल भी सकता है, और ये एक बेड है जहाँ पर अपन भी सो सकते हैं। और अपने बेड में कई ये सोफा डला हुआ है, ये अपना ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर गाइज मैं LED वगैरह ला कर रख सकता हूँ, ये खिड़कियाँ बहुत है इस घर में। तो खैर अभी कोई बात नहीं गाइज, वीडियो को यहीं पर एंड करते, मैं सो जाऊंगा। और वीडियो चल रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते बढ़िया से न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।